और सलीम भाई आ गए हैं। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, तगड़े हो? हैं जबरदस्त। खैर से होगी है शादी आपको? सबसे पहले शादी मुबारक हो भाई की। शादी पर लगता है 1 करोड़ आप लोगों ने लगा दिया है। नहीं नहीं, वैसे इंतजाम अच्छे थे, भावे 10,000 लगे। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे ना घंटा 1 घंटा लेट है आपका वो सेटअप, ओके है? आधे घंटे के बाद जिस तरह लोग आ रहे हैं तो आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। आधे घंटे तक शुरू हो जाएगा? अच्छा अच्छा, सही होगा। आप खैरियत से आए? खैरियत से आए हैं। सफ़र थोड़ा था लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा है आपका। इतना नहीं है, हमारे दिल बड़े हैं, सफ़र थोड़ा हो जाता है छोटा। मुझे ना कॉल की थी तो आप कह रहे थे कि मैं ना आऊँ ना आऊँ, मैंने कहा नहीं भाई आप आ जाएं बस। हाँ ये भी है। सही, पूछ रहे थे कि भाई मैं आऊँ ना आऊँ, मैंने कहा पता नहीं यहाँ कोई मसला जो सफ़र ज़्यादा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ जी, सही, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत है? ठीक है। चलो जी, आते हैं वसीम भाई, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। अभी सलीम भाई और आप लोगों का आखिरी जो छोटा भाई था उनकी शादी हो गई है ना? हाँ जी, मुबारक हो आपको। अगले हफ्ते मिलते हैं। दिखाई दे रहे हैं अरुण? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स, वेलकम बैक, अहलम व सहलम, पखैर रागले। अम्मा ये माइक है, ये इधर लगा रहे हैं अम्मा को इसमें। अच्छा मैं इधर हाथ में उठा लेता हूँ। अभी बेटा गिरा दिया चाबी। अच्छा जी, हम जा रहे हैं अभी वसीम भाई की शादी में, वसीम भाई और सोनिया सिस्टर की शादी का आज वलीमा है, वहां पे हम जा रहे हैं। मरवा आप सीधी होकर खड़ी हो जाओ, तो थोड़ा तारुफ करा दें। मैं तारुफ से मुराद ये है कि मरवा अम्मा, जब मरवा की अम्मी फौत हुई थी, मरवा इतनी थी ना, मरवा इतनी थी, यतीम है फौत हो गई, मरवा इतनी इतनी थी मरवा। और हारून है दूसरी बात, मरवा तंग नहीं करती बिल्कुल, हारून तंग नहीं करती। और दूसरी बात ये है, बेगम पे ना पाबंदी लग गई है भाई, वीडियो में वो नहीं आएगी आज से। हाँ, उसको उनके भाई ने कहा उनको मैं गोली भी मार दे सकती हूँ। हम ना उनको, उन्होंने कहा कि हम उनको कत्ल कर देंगे, तो उसकी वजह से बेगम तो भाई वीडियो में आज से नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, वो जो 5-6 हमारे हैं रिश्तेदार, वो क्या करते हैं अम्मा, वो ना मेरी सास माँ को ज्यादा तंग करते। वो बेचारी रोती कर रही था, आपको 30 सिपाही की कसम है, मेरी बेटी आ गए वो नहीं आएगी तो वीडियो में, ना इसकी निकाल दो ना इनके भाई तो इनकी बेटी, वो बेचारी बीमार हो गई, रो रो के हमें मना करते हैं करते हैं। मैंने अख्तर को कहा अपने बेटे को, बेटा तू यूं कर इनको निकाल दे, ये वीडियो में आएगा इसको न लेके आओ, अगर वीडियो में शौक है तो इनकी सास मेरी बहन है, सकी इनकी जो इनकी भी माँ है तो मेरी भी बहन है, वो करिए मतलब दूसरी शादी कर ले, हम राजी हैं इनके ऊपर, लेकिन हमारी बेटी को मोबाइल करके नहीं लेके आना, चलो मैं नहीं आना मेरी बेटी, वो बेचारी कल परसों तो रो रो इतनी उसकी हाल बुरा है, वो देख। हम सिर्फ अपनी सास माँ की खातिर ना बेगम को वीडियो में आज से नहीं लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अम्मी, मैं, हारून मिलके हम वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा जो है, मैं आपको ये बता दूं, अरे एक मिनट शोर ना मचाओ, तो ये पकड़ो, बैठो बैठो, ये अपना काम कर रहा है हारून, तो अपना काम करता जा रहा है, तंग करता है, मरवा बिल्कुल तंग भी नहीं करती। इधर से मैं चलाता हूँ बाइक, चलाता हूँ, ठीक है अब चलाऊ। अच्छा जी, लोगों को ना खुशी महसूस नहीं, मतलब किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुआ कतरा नजीद भी ब्याह, लोग जो है किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक थोड़ा अच्छे कपड़े पहनती है, जब उधर से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं वो, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की फिर धमकियां देना शुरू कर जाते हैं, वो तो बहुत हमारे साथ है। मैं इतनी टेंशन में हूँ, कह रहे हैं तेरे बेटे को मार देते हैं, खुद मेरे भांजे हैं सबके, वो कह रहे हैं अपने बहन उनको, हमारा दूसरे जो लोग है ना वहाँ के इलाके, वो तंग कर रहे हैं, लेकिन वो तंग कर रहे हैं, खुद सोचे अभी जिस जगह पे, अबे छोड़े, अच्छा जिस जगह पे हम अभी जा रहे हैं ना, ये अदर उठा के दो चाबी,
तो जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे अमां उन लोगों का काम यूट्यूब है। उन तक करो बाहर वहाँ पे पता है हमारे से वहाँ पे कितने चैनल हैं, खानदानी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ पे कितने चैनल हैं अभी जाके हम आपको दिखाएंगे, आप गौर से देखिएगा, चीजों को समझिएगा और फिर देखिएगा। बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके उनकी रोजी का वो सबब बना है चैनल यूट्यूब। हम तो भी इसलिए कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कल हो जाएंगे। हम तो ये छोटे देखे बच्चों के लिए ये कर वो हम जब हमारे लोगों में बर्दाश्त नहीं। हाँ जी, चाबी किधर है? नहीं बर्दाश्त, हमें मेरे बेटे कोई बर्दाश्त नहीं करते ना मुझे बर्दाश्त करते हैं। वो बहुत लड़ाइयां कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें जो मौका मिले दीवारों से ऊपर आके इनको गोली मारेंगे दोनों को, मियां बीवी के। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं अल्लाह आपने उधर से भी अपना भांजे आया, आपने इधर से भी आपने ये इतनी नुकसान तरह कर ले, अने हमारी बेटी को बिल्कुल नहीं आना। अगर आपको इतनी शौक है, ख्वाहिश है तो खुद अक्सर दूसरी शादी कर ले। इवन के उन्होंने ये कहा ये दूसरी शादी कर ले हमारी बच्ची को न लेके आए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम जा रहे हैं, सफर बहुत ज्यादा है वसीम भाई और सोने सिस्टर की शादी में। वहां जाके आप माहौल देखेंगे, वहां जाके लोगों को देखेंगे किस तरह उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, एक चैनल है उनका, पूरा सेटअप है, वो आपको देख के बहुत हैरानी होगी। वहां पे पहुंचते हैं जिम्मेदार हैं, रकबे वाले हैं, मार वहां का सब चीज है। मेरी बेगम को जो ससुराल वाले हैं ना वो चाहते नहीं थे रिश्ता देना, रिश्ते जबरदस्त इस तरह के प्यारा प्यारा बेटा मिल गया अरुण की अम्मा का, तो वो चाहते नहीं जो मेरी बेटी की यहाँ। हाँ जी, लोग खराब कर रहे हैं उनको, लोगों से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। चलते हैं जी वहीं शादी पे, स्टे विद अस, कीप वाचिंग हैप्पी अरुण फैमिली। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दुआ में याद रखें। चले जी, खैर करिए से हमें दुआ करो, जो हमें खैर करिए से वसीम बेटे की शादी में अपन जाके खैर से वापस दोबारा घर आ जाएंगे। बहुत शौक से अपना, मैंने उसको अपना बेटा समझ के मैं कहा मुझे बेटा याद करना, जब अपना शादी करना अम्मा को कॉल तो याद किया। मैंने कहा मुझे याद करना, बिल्कुल मेरी तबीयत भी साथ नहीं देती, लेकिन मैं बेटे की शादी है, खुशी तो, खुशी में शामिल हो जाऊंगी मैं, मुझे बहुत। तो यहाँ भी ज्यादा चाहते हैं, जाके मिलेंगे। चलते हैं शादी पे, मिलते हैं वहीं पे। कुछ जरूरी बातें थी जिस तरह के वो मैंने आपको बता दी, शेयर कर दिए, जिस तरह बेगम के आज से वीडियो में नहीं आएगी। मैं सिर्फ अपनी सास माँ के लिए कर रहा हूँ, लोग उनको तंग करते हैं, रुलाते हैं, इसकी वजह से इनकी हारून की अम्मी नहीं आएगी। हम टूटी फूटी वीडियो जो हमारी होती है वो बनाएंगे, अम्मी है, मैं हूँ, हारून है, और हम गरीबों की जिस तरह वो गरीबों की भेड़ की खातिर मैंने। ठीक है जी, चलो जी, चलो चलो अब चले। बाल बिखरे हुए, थोड़ा कुल्फी वगैरह खा रहे है ना। अम्मा क्या कह रही है? बहुत अच्छा, मजे मजेदार है। तो फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ अभी, और वसीम भाई के वलीमे की ये देखे हैं खैर से, और ये देखें जी ये हैं, अभी पहुँचे हैं, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं अभी पहुँचों। वसीम भाई आते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आप। जी सही हट गए ना। अच्छा अच्छा, आवे सन छोर आवे सन। मैं आया हम ही दूसरा दफा मैं था आया।